सड़कों के किनारे लगने वाले अव्यवस्थित बाजार को व्यवस्थित बाजार की शक्ल देने जबलपुर में हॉकर जोन बनाए गए थे। नगर निगम ने पूरे शहर में लगभग 9 हॉकर जोन बनाए हैं। इनमें से एक हॉकर जोन पर ही अकेले 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में बने इस हॉकर जोन में। देखने में बेहद ही खूबसूरत और आलीशान दिखने वाला ये हॉकर जोन सड़कों के किनारे व्यापार करने वाले लोगों के लिए बनाया गया था और इस पर लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम ने खर्च की थी। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वह ना तो व्यापार करने आने को तैयार हैं और ना ही नगर निगम कोई ठोस कदम उठा रहा है जिससे लोग यहाँ पर व्यापार कर सके, बल्कि यहाँ पर ये हॉकर जोन धीरे धीरे मैकेनिक जोन में तब्दील हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑटो खुला पड़ा है और यहाँ पर उसकी रिपेयरिंग की जा रही है। 4 करोड़ के इस हॉकर जोन में लोग अपना टाइम काटने के लिए आते हैं। हम कोशिश करेंगे जो ऑटो के मालिक हैं उनसे बात करने की कि आखिर क्या वजह है वो यहाँ पर बैठे हैं। भाई साहब ये बताइए, यहाँ पर हॉकर जोन है, ये यहाँ पर सब्जी की दुकानें लगनी थी, फल की दुकानें लगनी थी, वो यहाँ पर नहीं लग पाई हैं, क्या वजह है? भैया शाम को आए तो देखें इधर पे दारू खोरी असामाजिक तत्व इधर पे आते हैं, हैं वो व्यापार होता नहीं है, व्यापारी आते नहीं हैं जी, यही कारण है। अब खाली पड़ा है भैया, गंदगी देखो कितनी है, कौन आएगा? निगम के लोग आते हैं, एक दो बार बोल देते हैं कि सब्जी वालों को यहाँ आके बैठो, उसके बाद कोई भी सब्जी वाला यहाँ नहीं आता। और आप भी यहाँ ऑटो लेकर बैठे क्या? तो भैया हमारी गड़बड़ हो गई तो हम उसको खोल लिए, खाली पड़ा है बैठ गए, है ना, ये कारण है। बाकी वो देखो वहाँ दारू खोरी हो रही। तो देखिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस हॉकर जोन में लोग रात के समय जो है नशा करने का इस्तेमाल करते हैं, इसे बार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रात में यहाँ पर जो नशेड़ी हैं, आवारा तत्व हैं, वो यहाँ पर बैठे रहते हैं और दिन में जो है यहाँ गंदगी की अगर बात करें तो गंदगी का आलम है। यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं होती है। इस करोड़ों की कीमत वाले हॉकर जोन को नगर निगम ने लावारिस हालत में छोड़ दिया है। लोग जो है वो दबी जुबा में यही कह रहे हैं कि हॉकर जोन में सड़कों के किनारे जो व्यापार कर रहे हैं वह इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जो तमाम लोग हैं व्यापार करने वाले, पहले उन्हें यहाँ पर पर्चियाँ आवंटित की गई थी, जगह आवंटित की गई थी। यहाँ पर लिखा भी है कि आशीष ठाकुर है, शशि भाई है, मुकेश नामदेव, ये उन लोगों के नाम हैं जो यहाँ पर उन्हें ज़मीन जगह जो है अलॉट की गई थी, जो सड़कों के किनारे व्यापार करते हैं। लेकिन उन्हें उसके बाद वह पर्ची आवंटित करने के बाद निरस्त कर दी गई क्योंकि कांग्रेस और जो बीजेपी के नेता हैं उनमें इस जगह में अपने अपने लोगों को व्यापार करने के लिए जगह आवंटित कराने को लेकर खींचातानी चल रही थी। इसी वजह से नगर निगम ने इस हॉकर जोन में जो पूर्व में पर्चियाँ आवंटित की थी जो सड़कों के किनारे व्यापार करने वाले थे ताकि उन्हें यहाँ पर जगह मिल सके, लेकिन जब नेताओं की खींचतान हुई तो यहाँ पर उन पर्चियों को निरस्त कर दिया गया और उसके बाद से लगातार ये पूरा हॉकर जोन जो है जिस पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए नगर निगम ने खर्च किए हैं वह खाली पड़ा है। अगर छत की बात करें तो ये जो छत है ये पूरा वाटरप्रूफ छत बनाया है ताकि बारिश के मौसम में यहाँ पर पानी ना हो और लोग आराम से व्यापार कर सके। लोग सड़कों पर जो दिक्कतें जाती है, ट्रैफिक अव्यवस्थित होता है, जाम लगता है, उससे लोगों को निजात मिल सके, इसलिए इस हॉकर जोन का निर्माण किया गया था। एक अकेला ये हॉकर जोन जो है वह आलीशान तरीके से जबलपुर का हॉकर जोन है जिसे बनाया गया था करोड़ों रुपये खर्च कर, लेकिन वह आज भी जो है उन व्यापारियों की राह देख रहा है ताकि यहाँ पर लोग आकर कारोबार करें, यहाँ पर हलचल बढ़ सके। कुछ यहाँ के युवा खड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जो ये हॉकर जोन है ये कितने समय से खाली पड़ा है? सर ये तो काफ़ी समय हो गया इसके लिए खाली करने के लिए। हाँ तो यहाँ पर क्या सब्जी वाले और वो लोग नहीं आते हैं? हाँ, सर ये बताइए भाई साहब कि यहाँ पर जो है ये हॉकर जोन बनाया गया था कि जो बाहर चौराहे पर सब्जी वाले बैठे रहते हैं उनको जगह दी जाए, तो ये हॉकर यहाँ पर व्यापार करना कभी बाजार लगा है व्यापार करने आए बोलो? व्यापार करने के लिए वो एक दो बार जरूर उनने कोशिश करी यहाँ पे आने की और यहाँ आए और उनको उसका बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि वजह ये थी कि लोग बाहर से ही परचेजिंग कर लेते रहे, उस वजह से वो रेगुलर अगर कंटिन्यूस अगर बैठें इस जगह पर तो ये संभव है कि उनको यहाँ से लाभ प्राप्त होगा। और इतना रुपए पैसा लगाने के बाद 6-6.5 करोड़ रुपए का ये सेट बनाया उनने, हॉकर जोन बनाया है, उसके उसको देखने के बाद तो मुझे ये ऐसा एहसास हो रहा है कि यहाँ पे ये हॉकर जोन ना बना के कुछ और बनाते तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन दरअसल समस्या पब्लिक की है,
कि पब्लिक चाहती है कि आज के समय में स्थितियां ये हो गई हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि घर बैठे सामान मिल जाए मुझे। तो जो अधिकारी है वो कोई कदम नहीं उठाते? अधिकारी वर्ग तो सिर्फ ये है कि उन्होंने हॉकर जान बना तो दिया, उसके बाद जो पहले उन्होंने आवंटित किया था कि भाई सबको हॉकर जान दिया जाएगा, जितने भी ठेले वाले हैं सब्जी वाले रोड में लगाते हैं तो उनको सबको दिया जाएगा, फिर उसके बाद उन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया यहाँ पे कि वो जो पुराने हॉकर जॉन के लिए इशू किए गए थे कैंडिडेट वो उनको निरस्त किया जाता है। तो देखिए जो लोग हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर व्यवस्थित बाज़ार लगना था, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है कि उन्हें हर चीज़ आसानी से सड़क के किनारे उपलब्ध हो जाए, इसलिए लोग यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। और जो कारोबारी हैं वह जो यहाँ पर पहले शुरुआत में आए थे वह भी वापस जाकर सड़कों के किनारे ही बाज़ार लगा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पर जगह आवंटित की गई थी उन्हें नगर निगम ने कैंसिल कर दिया और जब से ये पूरा एरिया जो है हॉकर जोन का खाली पड़ा है। तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का ये हॉकर जोन जो है निगम की गलतियों की वजह से आज सफेद हाथी साबित हो रहा है। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, जबलपुर।